हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं जो आज फिजिक्स का पेपर हुआ है, उस फिजिक्स के पेपर के महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्ट पूछे गए थे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, सत्य, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे जिसमें से करेक्ट आंसर था पदार्थ पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। फिर इसके बाद परमाणु जो है आवेशित होता है, तो आपको याद रखना होगा परमाणु कैसा आवेशित होता है, धनावेशित, ऋणावेशित या अनावेशित। तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, वो अनावेशित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनावेशित। फिर पूछा गया है अगला कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए 9 × 10³ जूल इसका करेक्ट आंसर चौथा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। फिर अगला देख लेते हैं क्या है। पीएन जो है संधि डायोड की बात हो रही है, जो पीएन संधि डायोड था उसमें अवक्षय वर्त में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं अवक्षय वर्त में, निश्चल आयन होते हैं। तो निश्चल आयन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल कर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बताइएगा, चार ऑप्शन में से सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट था, क्योंकि उनकी जो आवृत्ति है वो नियत नहीं होती है, नियत नहीं रहती है, इसीलिए जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल कर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद जो खाली स्थान पूछे गए थे, उस खाली स्थान में देख लेते हैं। पहले पूछा गया था आवेश का विमीय सूत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एटी होता है आवेश का, और इसे आप ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश का विमीय सूत्र जो होता है एटी होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें खालिस्तान तरंगें होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। फिर है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक खालिस्तान संबंध होती है, तो याद रखना आप प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग का संबंध होता है, तो एक तरंग जो है संबद्ध होती है, ठीक है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, तो तरंग राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बताया गया है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध यदि अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है, कुछ लोगों ने बढ़ जाता है लिखा होगा, लेकिन बढ़ जाता है नहीं, घट जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। फिर है एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश खालिस्तान होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसका संकेत भी बना सकते हो या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहले का राइट आंसर एटी हो गया, दूसरे का अनुप्रस्थ, तीसरे का तरंग, चौथे का घट हो गया, घट जाती है मतलब कम जाता है या घट जाता है लिख सकते हैं, और यहाँ आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं ई लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको सही जोड़ी मिलानी थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है जी आपको पता होना चाहिए, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, तो इसका फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर चल कुंडल जो धारा मापी होती है उसका संबंध जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव से होता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है एक कुंडली बन जाती है चल कुंडल धारा मापी, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर है बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है, बैगनी रंग का प्रकाश होता है जो प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलन इसका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का आंसर हो जाएगा। और लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश जो होता है वो कांच में अधिकतम चाल होती है उसकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। और फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसके लिए कार्य फलन के रूप में बताया जाता है, तो कार्य फलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत,
और दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चल कुंडल धारा मापी होती है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग का प्रकाश जो होता है कांच में अधिकतम चाल होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसका संबंध कार्य फलन से होता है। तो ये हो जाती है सही जोड़ी। इसके बाद देखते हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए आए थे। तो अब जो अगला चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए जाते हैं, तो मूल आवेश का मान कितना होता है, जी आपको पता होना चाहिए। तो मूल आवेश का जो मान होता है वो होता है प्लस माइनस, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ मूल आवेश का मान यहाँ प्लस माइनस बिल्कुल लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल आवेश का मान ये होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक जो है किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबक जो होते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे। पूरा आप वाक्य लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे के बनाए जाते हैं। फिर है स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है आपको पता होना चाहिए हेनरी होता है इसका मात्रक, तो हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, उसका आपको परास लिखना है, तो इसका तरंग दैर्ध्य आप दो प्रकार से बता सकते हैं, एक तो होता है यहाँ पे 4 गुणित, ठीक है ना, 4 गुणित 10^-7 की घात मीटर से लगा करके, इससे लगा करके 7.8, मतलब लगभग 8 तक आप कह सकते हैं, 7.8 गुणित 10^-7 की घात तक होता है, या फिर आप इसे ऐसा भी बता सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी आंसर आप बता सकते हैं, या फिर 4 × 10^7 की घात मीटर से लगा के 7.8 × 10^7 की घात, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसका परास होता है। फिर आया था अगला क्वेश्चन, ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। तो ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको पता होगा, ट्रांसड्यूसर क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ध्यान रखना, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, सिग्नल में बदलता है उसे ही आप क्या कह देते हैं, ट्रांसड्यूसर कह देते हैं, जो बदल देता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, या फिर जो एक प्रकार की भौतिक राशि को दूसरी प्रकार की भौतिक राशि में बदलता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो पहले का आंसर हो गया प्लस माइनस 1.6 इंटू में होता है 10^-19 की पावर कूलाम होता है, और विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, स्वप्रेरक का मात्रक जो हेनरी होता है, और दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो होता है यहाँ 4 × 10^-7 की घात मीटर से लगा के 7.8 × 10^-7 की घात, या फिर इसे आप ऐसा भी बता सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है वो कहलाता है ट्रांसड्यूसर। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो 20 नंबर के आए थे। तो इस प्रकार आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।